केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में 255 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में 2022 सीजन के लिए कोपरा की MSP बढ़ाने पर अपनी मंजूरी दे दी। उचित औसत गुणवत्ता FAQ के मिलिंग खोपरा के लिए MSP को 2021 के 10,335 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2022 सीजन के लिए 10,590 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है और बॉल खोपरा के लिए MSP को 2021 के 10,600 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2022 सीजन के लिए 11,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह उत्पादन की अखिल भारतीय भारत और औसत लागत पर खोपरा मिलिंग के लिए 51.85% और बॉल खोपरा के लिए 57.73% का लाभ सुनिश्चित करता है। 2022 सीजन के लिए खोपरा के MSP में वृद्धि अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसे बजट 2018-19 में सरकार द्वारा घोषित किया गया था। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि यह निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिशों पर आधारित है। यह 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है, जो लाभ के रूप में न्यूनतम 50% का आश्वासन देता है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड नारियल उगाने वाले राज्यों में MSP पर समर्थन मूल्य का संचालन करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे। नारियल उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में नंबर एक है। देश की GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पादन में नारियल का योगदान करीब 20,000 करोड़ रुपए का होता है। देश के करीब 12 राज्यों में नारियल की खेती होती है और 1 करोड़ से अधिक लोग अपनी जीविका चलाने के लिए नारियल पर निर्भर करते हैं। MSP में बढ़ोतरी से इन लोगों को फायदा होगा और उनकी कमाई भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।